पूर्णिया में थम नहीं रहा है अपराध का ग्राफ। यहाँ प्रतिदिन कुछ न कुछ जमीनी विवाद होते चले जा रहे हैं। बताना चाहेंगे अनवर उर्फ इश्तियाक 36 वर्षीय जो गैस एजेंसी के मालिक हैं, इन पर ताबड़तोड़ चलाई गोलियां। सद्दाम नामक व्यक्ति ने इस पर ताबड़तोड़ 6 गोलियां चलाई और इसे सदर अस्पताल लाया गया जहां से रेफर किया गया, जिसे मैक्स अस्पताल में ले जाने के बाद कई घंटों के मुशक्कत के बाद डॉक्टरों ने बताया कि इनकी स्थिति अब सामान्य है। हजरतगंज चौक से आगे मेजर नसरुल कॉलोनी खलीकुन निशा के पीछे 2.5 कट्ठा जमीनी विवाद चले आ रहा है। एक दिन पूर्व सद्दाम के द्वारा धमकी दिया गया था कि जमीन खाली करो अन्यथा गोली मार देंगे, और जैसा बताया था दिन के 10:30 बजे के समीप सद्दाम अपने गुरुओं के समेत आकर 6 गोलियां लगातार ताबड़तोड़ चलाई। 2 वर्ष पूर्व में अनवर के द्वारा 2.5 कट्ठा जमीन खरीदा गया था, वर्मा सेल द्वारा बेचा गया था यह उक्त जमीन। जमीन राम अवतार के नाम से जमाबंदी भी रजिस्टर 2 में दर्ज है बताया जा रहा है। अनवर ने विधिवत पूर्वक जमीन खरीद किया था एवं अपने दखल में ले रखा था। भूमाफियाओं की नज़र जब इस भूमि पर पड़ी तो जबरन हासिल करने के लिए पूर्व के दिनों से ही लगातार उनको और उनके परिवार को परेशान कर रहा था और धमकी भी देते चले आ रहा था और गोली मारने की धमकी भी दे रखा था, जिसे आज के दोपहर में करीब 10:30 बजे दिन में चौक पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई, जिसमें अभी खतरे से बाहर बताया जा रहा है। अनवारुल उर्फ इश्तियाक को अभी खतरे के रूप से बाहर बताया जा रहा है। यहाँ मैक्स 7 अस्पताल के डॉक्टरों ने खतरे से बाहर बताया। इनके परिजन एवं सभी लोग काफ़ी परेशान नज़र आ रहे थे। यहाँ प्रतिदिन कोई ना कोई आपराधिक घटना हो रहे हैं जमीनी विवाद में। पूर्णिया से ब्यूरो रिपोर्ट आंखों देखी। ऑफिस जा रहे थे मीटिंग के लिए, वहाँ पे जमीन के पास रुके थोड़ा देर। इनके पापा जो है वो बोले क्या कि तुम यहाँ पे रहो, हम आते हैं वहाँ से। बस ये अकेले जो रहे, शायद किसी बीच में कुछ जो होना था वो गोली चल गया। इनके साथ कौन कौन थे? इनके साथ कोई नहीं थे, शायद कोई सन्नी था साथ में उनके। इनका मामला क्या? मामला वही जमीन का है। वो जमीन जो 2.5 कट्ठा वर्मा सेल वाला लिए हैं वो तो खरीद के लिए हैं। और इन लोगों का कहना, सद्दाम का कहना है कि भैया आप छोड़ दें यहाँ पे जमीन, हम यहाँ पे बिजनेस करेंगे। तो ये बोले कि हम तो खुद खरीद के लिए हैं किसी और से, हम तो खुद बिजनेस करना चाहते हैं, इसमें हम नहीं छोड़ सकते हैं। भैया आप कुछ पैसा और बढ़ा के ले लीजिए, जितना लगा है ना आपको उतना बढ़ा के ले लीजिए। ये बोले कि नहीं, हम नहीं छोड़ सकते, हम तो खुद बिजनेस करेंगे। तो कुछ नहीं बोला। फिर सुबह क्या हुआ, अगले सुबह वो राजा नाम का लड़का आया घर पे 8 बजे सुबह। 8 बजे घर पे आया, वो बोला कि भैया आप ना एक काम कीजिए, 50,000 1 लाख बेसी ले लीजिए, वो जमीन को छोड़ दीजिए। तो बोल चलो, ये बोले कि छठी कोई बात नहीं, चलो बात करते हैं बाद में, ऐसे बोले। बस ये नहाए धोए घर से बाहर निकले 9-10 बजे तक लगभग। बस इसी बीच में जो होना था वो इनको गोली लगा। गोली कौन मारा? सद्दाम मारा। कौन, कितने आदमी थे गोली मारने वाले? कितने? सद्दाम गोली जब चला है, सद्दाम मारा है, तो उसके साथ कितने लोग थे वो देखा नहीं, लेकिन हम सद्दाम को जानते कि वो सद्दाम ही गोली मारा है। और साथ में होता है? साथ में होगा कोई, वो तो दिखे नहीं, लेकिन वो सद्दाम मारा है गोली। और सब आप उनकी पत्नी हैं? उनकी पत्नी है। सद्दाम कहाँ का है? सद्दाम कहाँ का लगता है? सद्दाम यही यहाँ पे, कहाँ पे तो बिजनेस करता है, बालू गिट्टी का बिजनेस करता है, हजरतगंज चौक के पास कहाँ पे। हाँ, बिजनेस करता है वो जगह लेने के लिए इनसे ही कर रहा था कि ये जगह छोड़ दीजिए। सद्दाम से क्या, तो आपके पति का क्या रिश्ता है? कोई दुश्मनी नहीं, कोई रिश्ता नहीं था, बस ऐसे एक भाईचारा का रिश्ता था। बिजनेसमैन वो भी बिजनेसमैन है, ये भी बिजनेसमैन है, भाईचारा का रिश्ता था। बस इसीलिए इनको ये जगह चाहिए था, ये जगह इनको कैसे दे देते, वो तो खुद बिजनेस के लिए रखे थे। तो जिनको गोली लगी आपके कौन? वो मेरे हस्बैंड है। क्या नाम है? अनवर खान। कहाँ कहाँ है? गोली किस जगह पे चली? गोली 3 गोली लगी, एक हाथ पे चली है, एक सीना पे, यहाँ मोबाइल के कारण वो यहाँ पे सीना पे पट लगी है, और एक पेट के पास। कौन से जगह पर गोली मारी गई थी? जगह वही जहाँ प्लॉट है वहीं पे मारी गई। वहाँ प्लॉट पर चलिए ना, बता देंगे यहाँ से। क्या बताया आपका परिचय? क्या नाम? मेरा डीजी खान, मैं पत्नी। अभी क्या पोजीशन बताया जा रहा है? इनसे लीजिए, इनसे ये पूरा बताएंगे। अभी पोजीशन तो अभी वहाँ ऑपरेशन थिएटर में तो देखा नहीं गया क्या पोजीशन है। ठीक, शुक्रिया। अभी तो बताया कहाँ नहीं गया है, कुछ बताया गया नहीं है। अच्छा, आइए यहाँ आइए। तो बोलने की है क्या? 2 साल पहले जमीन लेके रखे हुए हैं। कहाँ पे?
हर एक है पास। कहाँ पे कौन सा जगह का नाम? उसके बाद ये जो गरीब आदमी उस जमीन में बसा हुआ था लकड़ी, उसको खा मखा के चला कर घर घर करके भगा दिया। वही लोग जमन पाटे तो गरीब आदमी था, उसको भगा दिया। वही धमकी से इसको आकर के चाहता है सद्दाम और जनिया के क्या नाम है जमीन सामने और साइड में उसका और कुछ उनका नाम नहीं जाना। लेकिन उस भाई चलो भाई अब चेहरा देखने की बात है ना, वही लोग धमकी दे रहे हैं इसको भी धक्का मार करके जल्दी निकाल देगा। लेकिन अनवर से कोई बात नहीं हुआ, हम बिल्कुल सुन रहे हैं। वो आ गए और दूसरा का नाम नहीं जाना। कितना गोली मारा? 6 गोली। क्या घर से रिपोर्ट करके कहीं मीटिंग में जा रहे थे, घर से बस में जब आए उसके बाद हम वहाँ पर काम हो रहा था, अपना वहाँ पर मौजूद थे। वहाँ दुका बोला कि बाबा जाके नाश्ता कर लीजिए। और सद्दाम नाम का लड़का था और ये सरोज वाला हम तक नाम नहीं जानते, दोनों मिलकर अंदर गया हुए थे वहीं पर। वहाँ से निकलने के बाद में आकर के थोड़ा पर छोड़ दिया। गोली मारने का कारण क्या है? कारण क्या है नहीं है कि आपका दिल में क्या है हम तो क्या बता सकते हैं। फिर भी पहले से कोई लोग जो या कोई जमीन विवाद या कोई मामला जमीन जो लेकर के रखा है कोई गरीब बसा हुआ था उसका घर उजाड़ के भगा दिया। उसको भी कहता था कि आप दे दीजिए, बोला कि हम अपने जमीन जरूरी के लिए लिए हैं 2 साल पहले। कितने बात इसी में लोग जो हुआ और गोली चला लोग जब छोड़े भी क्या कुछ यही कांच सवेरे से खबर आ रहा है कि दो आदमी आ रहा था कहने के लिए उसको दे दी। ये हम अपने जरूरी के लिए रखे हैं तो काहे देंगे, आपको यदि जरूरी है तो बगल में जमीन ले लीजिए। और इतना आपको पता कीजिए आप किसी का उल्टा से दाम भी नहीं जाता है। आपका क्या परिचय हुआ? आपका क्या परिचय हुआ? मेरा लड़का हुआ। आपका क्या नाम है? मोहम्मद हदीस। अच्छा आप ही का लड़का है? जी हाँ। क्या पोजीशन है अभी, क्या बताया जा रहा है डॉक्टर के द्वारा?